मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, राइट। और ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ये एक तरह से क्रैश कोर्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और भी आगे कई सारे चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे ताकि कम से कम टाइम में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए उसके लिए बेसिकली वीडियो लेक्चर्स है। लेकिन मैं वहीं पर यह बात कहूंगा कि इसके पहले इस लेक्चर को और इस वीडियो को समझने करने के लिए आपका जो प्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप एक बार करे हुए हों तब जाकर के आप जब इस तरह से हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा, राइट। नहीं तो कहेंगे कि भाई कि सर तो मैथ्स को रटा रहे हैं। मैथ्स रटाने वाली चीज नहीं है, मैथ्स को समझने और समझ करके फिर उसके ऊपर वर्कआउट एंड प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में उसे जो है थिंकिंग प्रोसेस में लाने वाली बात होती है, राइट। तो ये जो ब्रीफ एक प्रेजेंटेशन है जिसमें कि मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या एग्जैक्ट वजह है उसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। उसके लिए तो बेसिकली एक नॉर्मल कोर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, राइट, कई सारे चैप्टर्स के। इसके बाद क्या होगा कि जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं प्रेजेंट कर दूंगा तो इसी चैप्टर से रिलेटेड इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत सारे तो नहीं होंगे लेकिन इतने होंगे जो कि आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, राइट। मतलब मैं यही कहूंगा कि यदि आप पहले से चैप्टर को समझे हुए हैं तो इन वीडियो लेक्चर को करने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को करने के बाद आप डेफिनेटली जो है काफी कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पर यही है। तो बढ़ते हैं और मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के, मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा यहां पे कि भाई कि जेई मेन जे एडवांस के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है और एनसीईआरटी बुक्स में है उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पे आती है कि भाई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे कहलाते हैं यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो मैं यहां पे टेबल बना रखा हूं जो कि आपको दिख रहा है ये एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये टेबल बना रखा है, क्योंकि कई जगह पे प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, राइट। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 कहेगा इसका भाई कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए तो इट विल बी सिंपली 5/4, राइट। तो ये पॉइंट है यहां पे। तो आप देख रहे हैं इसमें ये फंक्शन है और इधर आपको दिख रहा है ये डोमेन है और दिस वन इज द रेंज बेसिकली। तो साइन इनवर्स जब डोमेन -1 से 1 के बीच में ही होता है आपको पता ही है, तो रेंज जो इसकी आती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ये बार बार कह रहा हूं ये प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जब आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़े होंगे या जानते होंगे तो उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखी गई है डिफरेंट डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इन द सिमिलर वे कॉस इनवर्स जब डोमेन -1 से 1, डोमेन यहां पे -1 से 1 है और रेंज 0 से π है, राइट। कॉसेक इनवर्स एक्स आर इज कॉल्ड द रियल नंबर और इस रियल नंबर में कहां से कहां की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, -1 से 1 के बीच में। दैट मींस यहां पे जो होनी चाहिए सारे के सारे नंबर वो less than -1, less than equal to -1 और greater than equal to 1, उस केस में जो रेंज आती है वो कॉसेक इनवर्स की वो आती है -π/2 से π/2 जिसमें कि 0 इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, राइट। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये पूरे एक कंसेप्चुअल तरीके से इसे वर्कआउट करके निकाला जाता है, बट फाइनली इस वैल्यू को, प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना काफी जरूरी है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, ध्यान में रखना जरूरी है। उसी तरह से देखिए सेक इनवर्स, सेक इनवर्स केस में फिर से वो डोमेन जो होगी रियल नंबर जिसमें फिर से -1 से 1 तक की जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड
नहीं है, और जीरो से पाई इसकी रेंज होती है जिसमें पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। अब देखिए टेन इनवर्स की जो आपकी डोमेन है वो सारी सारी रियल नंबर है, और जो डोमेन रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, ये देखना ये ओपन ब्रैकेट है। कॉट इनवर्स की फिर से यहां पे जो आपकी डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज जीरो से पाई जिसमें जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं है, ये देखिए ध्यान से यहां पे ये ओपन ब्रैकेट है, दिस वन इज द क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड है, राइट ये पॉइंट होता है यहां पे। तो ये सारी बातें हो गई यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सिक्स डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज है, और एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, वो प्रॉपर्टी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके देख लेते हैं फटाफट ये सारी प्रॉपर्टी। देखिए जैसे पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स सिंपल सी बात है कॉसेक इनवर्स एक्स होती है, जहां पे बहुत ध्यान में रखना है कि एक्स डेफिनेटली यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखना है, तभी जाकर के ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे वैलिड है। इन द सिमिलर वे देखिए ध्यान से सुनिए बात को, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स जो हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और इसमें भी वही बात आती है जो ये वाली बात है कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करते हैं। टेन इनवर्स 1 बाय एक्स डेफिनेटली जो है कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होना चाहिए, एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 हो, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स एंड एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट ये पॉइंट है यहां पे। अब आगे देखते हैं यहां पे, अब अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, और x जो है बिलोंग्स होना चाहिए माइनस 1 से 1 के बीच में, ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझिए बात को यहां पे। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे तभी ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है, राइट जहां पे एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अगली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहां पे एक्स की वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए माइनस 1 से 1 के बीच में, अब माइनस 1 1 यहां पे इंक्लूडेड है जो आपको दिख रहा है यहां पे क्लोज ब्रैकेट है। सेक इनवर्स माइनस एक्स इट विल बी सिंपली पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस यहां पे जो एक्स होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, तब जाकर के ये प्रॉपर्टी वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स की ये वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी, कि भाई कि ये प्रॉपर्टी किस x के लिए वैलिड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। cot इनवर्स माइनस x वो देख रहे हैं पाई माइनस cot इनवर्स x है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे जो रियल नंबर है वो आपके लिए मतलब माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, बट एंड ऑब्वियस है ओपन ब्रैकेट में रहेगा माइनस इनफिनिटी एंड इनफिनिटी, राइट तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसमें आता है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = पाई बाय 2, फिर से x बिलोंग्स टू जो हो जाएगा यहां पे माइनस 1 से 1 के बीच में, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = पाई बाय 2 जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी जो यहां नहीं लिखी हुई है वो आपका है sec इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, जहां पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ध्यान रखना आप थर्ड वाला रिजल्ट मैंने नहीं लिखा है, थर्ड प्रॉपर्टी उसको भी ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बता दिया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू, जहां पे मॉड ऑफ एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली यूज होती है जो बहुत दफे यूज होता है, जिससे पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है टेन इनवर्स x प्लस वाई है, tan इनवर्स x प्लस वाई है डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है, कई प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, यदि आप इसको यूज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स बेसिकली गलत हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इन द सिमिलर वे यहां पे अगली प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई डिवाइडेड वन प्लस एक्स वाई, और वहां पे वन प्लस एक्स वाई जो होना चाहिए ग्रेटर देन बेसिकली यहां पे जीरो होना चाहिए। समझे बात को, यहां पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिए बात को, ध्यान में रखिए, लिख लीजिए जो मैंने लिखा नहीं है। tan इनवर्स x माइनस आएगा tan इनवर्स y, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, एंड 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, राइट right? अब देखिए यहां पे हमारा जो है अगला फॉर्मूला जो इसी से निकलता है कि भाई कि यदि y इक्वल टू x प्लेस कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा जी, तो 2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस x इज 2x, तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला काफी दफे यूज होता है कि 2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, और वहां पे x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। समझिए बात को, 2 tan inverse x will be equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square, and x must lie between minus 1 से 1 के बीच में, जहां पे minus 1 और 1 included नहीं है, राइट right? ये पॉइंट यहां पे रखना है ध्यान में। और अगला देखिए यहां पे कि 2 tan inverse x जो होता है sin inverse 2x by 1 plus x square होता है, और यहां पे mod of x less than equal to 1 है। इसी तरह से 2 tan inverse x को मैं cos inverse में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan inverse x will be equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। समझिए बात को, 2 tan inverse x will be equal to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, और यहां पे x जो होनी चाहिए greater than equal to 0 होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी थी, ये यहां पे सारी प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्कस करी गई है, और ये कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। यहां पे कोई भी एडवांस प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करी गई, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखना है, राइट right. तो ये पॉइंट है यहां पे। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फॉर्मूले और प्रॉपर्टी वर्ग के ऊपर डिस्कस करा है। लेकिन मैं ये जरूर से कहूंगा कि आप इस चैप्टर को पहले डिटेल में एक बार जरूर से कर लेना, ताकि इन सारी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना और ये प्रॉपर्टी कैसे आया है वो आप समझ पाए। क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि भाई कि फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को आप बिफोर द एग्जाम रिवाइज कर सकें। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो है आप बोर्ड के हिसाब से या स्कूल के एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर के ऊपर काफी अच्छी तैयारी कर सकें, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे और हम लोग इसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर, राइट। हम लोग इस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट सब जो प्रॉब्लम है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, आप कई दफे बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपका है tan इनवर्स 3x plus tan इनवर्स 2x equal to pi by 4, तो इसको हमें सॉल्व करना है x के लिए। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है और कई दफे ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y equal to होता है tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy, right? At the same time, xy less than 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है इस तरह के फॉर्मूले का, राइट right? तो हम लोग उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। तो देखिए, अब आप tan इनवर्स 3x plus tan इनवर्स 2x will be written as tan इनवर्स 3x plus 2x by 1 minus 3x into 2x will be equal to pi by 4, right? फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y will be equal to tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy, तो उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो उसको अप्लाई करने के बाद ये आ गया, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 4, राइट। बट एट द सेम टाइम ये तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, दैट मींस 3x इनटू 2x विल बी लेस देन 1, दैट मींस 6x स्क्वायर लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी x का सॉल्यूशन आएगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट right? केवल इसी को सेटिस्फाई नहीं करे, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये की पॉइंट है इस प्रॉब्लम में। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x / 1 - 6x स्क्वायर, राइट।
इसका हो गया कि 5x by 1 minus 6x square will equal to 10 pi by 4, बहुत ही बेसिक बात है। और 10 pi by 4 1 होता है, तो 5x by 1 minus 6x square किसके इक्वल हो गया, बेसिकली 1 के, मतलब 5x will be equal to 1 minus 6x square। अब इसका एक क्वाड्रेटिक बनेगा, 6x square minus 5x minus 1 equal to 0, जिसके जिसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 6x minus 1 into x plus 1 equal to 0। तो x के दो सॉल्यूशन आ गए, एक 1 by 6 आया, दूसरा minus 1 आया। अब ट्रिकी पॉइंट क्या होता है कि जब भी x के सॉल्यूशन आ जाते हैं तो ये भी देखना होता है कि क्या ये जो सॉल्यूशन आए हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो जब x equal to 1 by 6 लेंगे तो 6x square की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 by 6 डाल दीजिए यहाँ पे, तब इस केस में ये इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो जाती है। बट x equal to minus 1 पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि x equal to minus 1 प्लेस करेंगे तो 6 लेस देन 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब x equal to minus 1 इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, x equal to 1 by 6। तो वही बताया गया कि 6x square less than 1 is not satisfied by x equal to minus 1, right? And it will be satisfied by x equal to 1 by 6. x equal to minus 1 satisfy नहीं कर रहा है, but it is satisfied by x equal to 1 by 6. इसका तो जो सॉल्यूशन होगा x equal to 1 by 6 होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम लोग ऐसे भी करते हैं कि x equal to minus 1 और x equal to 1 by 6 जो सॉल्यूशन आया वो यहाँ पे देखे सेटिस्फाई करा के, x equal to minus 1 यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में tan inverse minus 3 आएगा plus tan inverse minus 2 आ जाएगा, और that will be equal to pi by 4। तो इस तरीके से x equal to minus 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि x equal to minus 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, x equal to 1 by 6 इसका सॉल्यूशन होगा, राइट? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि tan inverse x plus tan inverse y will be equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। ये तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब xy का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, राइट? ये एनसीईआरटी ने दे भी रखा है अपने फॉर्मूले में, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखा जाए, अदरवाइज आपको ये कंडीशन ध्यान नहीं रहता है, राइट? तो उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन की जो आई है, जो हमारे पास सॉल्यूशन फाइनल आता है, तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो अब हम लोग अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, वही करेंगे tan inverse x plus y, that means x minus 1 divided by x minus 2 plus x plus 1 divided by x plus 2 divided by 1 minus this into this, यही करा गया, it will be equal to pi by 4। बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जो भी सॉल्यूशन एक्स का आएगा जरूर से इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? एक बात ये हो गई। अब देखिए आगे, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। That means this will be equal to simply 1. अब आप इसको खुद से सॉल्व घर पे कर लेना। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो you will get 2x square minus 4 equal to minus 3. That means 2x square equal to 1. Hence x equal to plus minus 1 by root 2. इसका मतलब इसका जो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आया है, एक 1 by root 2, दूसरा minus 1 by root 2. अब देखिए ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x square minus 1 by x square minus 4 में जब प्लेस करेंगे तो दोनों ही सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब प्लस माइनस 1 by root 2 दोनों ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट? अब अगला एक और प्रॉब्लम देखते हैं, tan inverse x plus 1 plus tan inverse x minus 1 equal to tan inverse 8 by 31, बिल्कुल सिमिलर है। tan inverse x plus y divided 1 minus xy, तो tan inverse x plus 1 plus x minus 1 divided by 1 minus x plus 1 into x minus 1 equal to tan inverse 8 by 31, right? At the same time, फिर से बात आती है कि xy less than 1 होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का product less than 1 होना चाहिए, और इन दोनों का product x square minus 1 होगा, तो x square minus 1 less than 1 होना चाहिए, ये वाली बात है। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आप इसने इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 8 बाई 31। तो हमने क्या किया,
इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, जो कि खुद घर पे वर्कआउट करना, इट विल बी इक्वल टू 8 बाय 31। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होता है 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने पे दो सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा 1 बाय 4, दूसरा आएगा माइनस 8। अब देखिए यहां पे माइनस 8 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका तो माइनस 8 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, बट 1 बाय 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो आप खुद सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हो गया x इक्वल टू 1 बाय 4 हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये भी है कि जब x इक्वल टू माइनस 8 यहां प्लेस करेंगे तो LHS नेगेटिव आएगा बट RHS पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 8 भी इस इक्वेशन को उस तरीके से भी देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 8 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 8 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 बाय 4। ऐसे क्वेश्चन कई दफे बार बार आते रहते हैं बोर्ड के पेपर में, तो मैंने उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।